तहलका न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक 2020 से, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में 41 साल के बाद बड़ा इतिहास रच दिया है। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर जो टोक्यो ओलंपिक से आ रही है। आपको बता दें कि ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 41 साल के बाद इतिहास रचा है और महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। बता दें कि हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात दे दी है। इसके साथ ही इस टीम ने 41 साल के बाद इतिहास रचा है। बड़ी बात तो यह है कि 1980 के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है और इससे पहले 1980 में मॉस्को ओलंपिक के दौरान महिला टीम सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात दे दी है। और बड़ी बात तो यह है कि 41 साल के बाद पहली बार महिला हॉकी टीम ने इतिहास को रचते हुए ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है और इससे पहले 1980 के सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने प्रवेश किया था और अब 41 साल के बाद महिला हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। और बता दें कि भारतीय टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात देते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। तो वही मेडल की उम्मीदें इस टीम ने बरकरार रखी है और सभी देश की दुआएं महिला हॉकी टीम के साथ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 से आ रही है।